उत्तर प्रदेश के बलिया से जहां देवरिया हत्याकांड को लेकर बलिया के युवाओं में भारी आक्रोश, देवरिया हत्याकांड को लेकर युवाओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर और मकान ध्वस्तीकरण जैसे कार्रवाई की मांग की है और मृतक सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से मिलने के लिए भारी संख्या में युवा बलिया से देवरिया के लिए रवाना हुए हैं। युवाओं ने पीड़ित परिवार का हर तरह की मदद करने की बात कही है। युवा भानु दुबे ने बताया कि हम लोग दोनों परिवार से नहीं मिलेंगे, स्वर्गीय सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से मिलेंगे, क्योंकि दूसरा पक्ष का हत्या किसने किया है उसका पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सत्य प्रकाश दुबे के साथ जो घटना हुआ है वह बहुत गलत हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना में बच्चों का कोई दोष नहीं था और उन बच्चों का बेरहमी से हत्या कर देना काफी निंदनीय है। देवरिया में नरसंहार जो हुआ है उसी उपलक्ष्य में उनके दरवाजे पे जाके और उनके परिवार के साथ अपनी सहानुभूति देना चाहते हैं और उस परिवार की जो आर्थिक मदद होगा हम लोग करना चाहते हैं और ये जाति विशेष का कोई वो नहीं है। हम लोग भाई जो गलत चीज़ है उसके पक्ष में, जो गलत चीज़ लोग किए हैं उसके विपक्ष में और जो परिवार के साथ गलत हुआ उसके पक्ष में हम लोग जाके तो अपनी सहानुभूति देना चाहते हैं। किनके बुझाएंगे? तो हत्या तो दोनों तरफ से हुई है, उधर से भी एक हत्या हुई, उस चीज़ की पुष्टि हुई नहीं है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि हम दोनों दरवाजे पर जाना चाहिए और दोनों जगह हत्या हुआ वहाँ जाना चाहिए, फिर एक जगह जाने के पीछे क्या मकसद है? क्या राजनीति? एक जगह की चीज़ है कि जो उनकी हत्या हुई है अभी पुष्टि हुई नहीं है और इन लोगों के साथ कुलता के साथ जो मान लीजिए अगर बाप गलती भी किया है तो बेटा, दो बेटियों का, बच्चों का, अब 14 साल के बच्चों का कोई दोस्त तो है नहीं, तो इसी सब के उपलक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं और जो चीज़ पुलिस ने इसको निष्पक्ष करे ना वो तो उनका विषय है, हमारा विषय भाई जो हमारे समाज की बात है और हम लोग अपने लोगों की बात है और जो गलत है वो गलत है, उसके लिए हम लोग यहाँ से हम लोग सभी अपने टीम के साथ हम लोग निकल रहे हैं। जो गलत चीज़ हुई है पार्टी वाली और जाति वाली बात से हटा के जो गलत, जो निंदनीय कार्य हुआ है, जो बहुत ही गलत कार्य हुआ, क्रूरतापूर्वक जो हत्याएं हुई हैं इसके उपलक्ष्य में जा रहे हैं। किसी के घर के 7 लोग 5 लोग का पूरा परिवार उजड़ गया है, इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग पार्टी और राजनीति और जाति पात से हट के जा रहे हैं, जो गलत चीज़ें हुई हैं उसके उपलक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं। राजनीति करने वाले लोगों का राजनीति करने वालों का अपनी रोटी सेकने वाला काम है। हम लोग के दिमाग में यह है कि चल रहा है भाई कि जो चीज़ एक परिवार का पूरा परिवार खत्म हो गया, 14 साल का बच्चा जो है अपने जीवन मृत्यु से लड़ रहा है, उस चीज़ के वजह से हम लोग जा रहे हैं। और राजनीति करने वाले राजनीति करें, हम लोग को भाई जो समाज गलत हुआ है उसके वजह से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अब तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई, अब ये तो माननीय योगी जी और मोदी जी बताएंगे भाई। सरकार के लोग हम बिल्कुल मांग करेंगे कि जो गलत किया है उसका पूरा परिवार जेल में जाए। हम तो ये भी चाहेंगे कि जो गलत किया है, जो और लोगों के साथ अपराधियों के साथ हो रहा है उनके साथ भी वो सुलूक हो, उनका भी घर गिराया जाए। जो गलत हो रहा है, जो जिसके साथ हो रहा है, जो ये पार्टी और समाज से हट के सोचने वाली बात है, किसी का एक पूरा परिवार खत्म कर दिया जाए, इस सब की चीज़ के लिए हम लोग जो चीज़ हमको गलत लगेगी हम उसके, जो जिस परिवार के साथ गलत हुआ है हम उसके हिसाब से जा रहे हैं। जो उनकी हत्या हुई है वो अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि कौन किया क्या नहीं किया, इसमें राजनीतिक मतभेद भी हो सकता है, कोई और दुश्मनी भी अपना साथ सकता है, तो इसमें हमको वो कुछ नहीं करना है। वो गलत हुआ है और उस गलत में उनके परिवार के साथ हम लोग आज भी हैं, आज ही वहाँ रहने का काम करेंगे और आज जा रहे हम लोग सहयोग भी करेंगे, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उनके लिए पूरे परिवार के लिए आजीवन खड़े रहेंगे, दोनों बच्चों के लिए।